एनडीए से अलग होने के बाद अकाली दल ने कहा हाथी मेरा साथी। पंजाब में शिरोमणी अकाली दल और बीएसपी के बीच गठबंधन हो गया है। अब 117 सीटों वाली विधानसभा में 20 पर बीएसपी लड़ेगी और बाकी की 97 सीटों पर शिरोमणी अकाली दल। शिरोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल हमारे साथ हैं। सुखबीर जी, आपको क्यों लगता है कि ये गठबंधन बहुत बड़ा पंजाब की पॉलिटिक्स का गेम चेंजर हो सकता है? पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। पंजाब में डिस्टर्बेंस होती है तो पूरे देश में डिस्टर्बेंस होती है, और यहाँ पंजाब में पीस रखना बहुत ज़रूरी है। एंड जो श्रोमणी अकाली दल है उसका बेसिक फिलॉसफी पीस एंड कम्युनल हार्मनी है। और ये एक जब से हम बीजेपी को छोड़ा है, श्रोमणी अकाली दल के मन में एक सोच हमारे वर्कर में है कि जो हमारा पुराना रिश्ता था बहुजन समाज पार्टी, वी शुड गेट टुगेदर। जो बहुजन समाज पार्टी और श्रोमणी अकाली दल सेम ही प्रिंसिपल्स पे काम करती है, अगर आप हमारी फोकस देखें, फोकस एरिया श्रोमणी अकाली दल का है गरीब, किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार, ये हमारी बेसिकली कोर वोट है। और हम इनके लिए लड़ाई लड़ते रहे, उनके लिए हमने, हमारे लीडर ने जेलें भी गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ये नहीं लड़ रही है? नहीं, कांग्रेस की सोच और किस्म की है। कांग्रेस की अगर आप देखें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह 4 साल हो गए, 4.5 साल मुख्यमंत्री बने, कभी दिखाई दिए? जो गरीब की जो डिमांड थी, जो मेन फंक्शन उनकी पॉलिसी थी एससी स्कॉलरशिप वर्गी, सारी कैंसिल कर दी। जो आटा दाल थी स्कीम कैंसिल कर दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो राज है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा निखेध मुख्यमंत्री कभी नहीं हुआ जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह। एक तो आपको तो ये सूट करता है, हमें अगर कांग्रेस का कमजोर मुख्यमंत्री होगा तो अकाली दल को तो पंजाब में बड़ा फायदा है इसका। हम पॉलिटिक्स में ये फायदे नुकसान की बात नहीं है, पंजाब का बड़ा नुकसान है। आपने देखा होगा कोरोना में क्या नुकसान हुआ, कितने लोग मारे चले गए क्योंकि यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई कैप्टन ने कोई प्लान ही नहीं की कैसे करना, किस कैसे इंतजाम करना, कोई नहीं है। इसलिए पंजाब के लिए एक स्ट्रॉन्ग अलायंस, स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर चाहिए। और मैं बता दूँ कि ये जो अलायंस है ये हिस्टोरिक होगा। ये जब ये अलायंस शुरू हुआ था, सबसे पहले श्री कांशी राम जी ने सियासत शुरू की पंजाब से, बीएसपी की शुरुआत पंजाब से हुई। और मुझे खुशी है कि जिस पर वो पहली बार वो एमपी बने वो पंजाब से बने, उसी टाइम मैं भी पहली बार एमपी बना था 96 में। वहाँ अलायंस भी हुई और उस टाइम हमने क्लीन स्वीप की थी पंजाब में 11 सीटें। तो आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी की कमी थी, अब क्योंकि बीजेपी और शिरोमणी अकाली दल अलग अलग हो चुके हैं, तो आपको लगता है कि बीएसपी उस कमी को, उस वोट बैंक को भर देगी, उससे ज्यादा भरेगी? कैसे? क्योंकि ये एक दो परिवार जिनकी सोच एक है इकट्ठे हो जाएं, एक से 11 बन जाते हैं। क्योंकि पहले क्या था, बीजेपी का वोट बैंक रूरल एरिया में तो है ही नहीं था, हमारी 94 सीट्स में तो है ही नहीं था, और उनकी सीट्स में हम पूरी उनकी सपोर्ट करते थे, और इनका हमारे भी एरिया में भी उधर भी है। सो ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है। तो फिर तो हमें 96 में बीजेपी को पकड़ना ही नहीं चाहिए था अगर इतना स्ट्रांग था बीएसपी का होल्ड। उस टाइम जो हालात थी और टेररिज्म के बाद जो हालात बनी थी यहाँ पंजाब के अंदर, एक कम्युनल हार्मनी का मैसेज देना था। उस समय में ये फैसला बड़ा सही था, कम्युनल हार्मनी पंजाब को उस दौर से निकालने के लिए, इसीलिए हमने उस टाइम किया था। सुखबीर जी, हर पार्टी दलित के नाम पर राजनीति करती है और दलित को अपने साथ लेकर चलने की बात करती है, क्या इस बार सुखबीर सिंह बादल को लगता है कि सत्ता की कुंजी इस वोट बैंक के हाथ में है और क्या ये अकाली दल को सत्ता तक पहुंचा सकता है? ये आपकी बात सही है कि पार्टीज टारगेट करती हैं कम्युनिटीज़ को फॉर इलेक्शन पर्पस, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल कांग्रेस का है। गरीबी हटाओ के नारे पे इंदिरा गांधी ने कितने इलेक्शन जीते और गरीब को घोर और ज़्यादा गरीब कर दिया और कांग्रेस जी अमीर हो गए। श्रोमणी अकाली दल एक ऐसी पार्टी है, साहब प्रकाश सिंह बादल के 5 बार मुख्यमंत्री जब भी बने उन्होंने जो कहा उससे ज़्यादा किया। यही बात है कि आज गरीब की कॉन्फिडेंस लेवल अकाली दल पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनको मालूम है कि आटा दाल स्कीम, शगन, एससी स्कॉलरशिप और जितनी भी मैं 10 गिना सकता हूँ सब श्रोमणी अकाली दल के टाइम। सो इसीलिए बीएसपी की भी अलायंस हमारे साथ है, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है
कि अकाली दल एक ऐसी पार्टी है जबान की पक्की पार्टी है। देखिए 96 में कांशीराम और प्रकाश सिंह बादल की दोस्ती थी, गठबंधन था। इस बार मायावती और सुखबीर सिंह बादल का है। आप प्रकाश सिंह बादल की बातें गिनवा रहे हैं कि उन्होंने दलितों के लिए ये किया। सुखबीर बादल दो काम क्या करना चाहेंगे? आपके माइंड में होगा कि ये दो काम अगर आपकी सरकार बनती है तो दलितों के लिए होंगे, वो क्या है? पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एक्चुअल मैनिफेस्टो वो हम जॉइंटली बैठकर बनाएंगे, सो मैं इसके मैनिफेस्टो में जाना चाहता हूँ। पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो मेरी टॉप प्रायोरिटी है एससी स्कॉलरशिप वापस ला के आनी, और एजुकेशन पे जो सरकारी एजुकेशन है वो मेरा टारगेट है कि गरीब और दलित और बैकवर्ड क्लासेस जो एजुकेशन उनको मिल नहीं रही और जैसी स्कॉलरशिप्स वहाँ बंद करती हैं वो उसको रिस्टोर करना और वो गरीब को एजुकेट करना। ABP सोचा जोश जज्बा जुनून।